हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। यश मोबाइल लगे अभी हमारे साथ विकम चोप, विकम चोप इंसाफ करो, साथ इंसाफ करो, हमारे 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 साथ ट्रांसपोर्टरों के साथ इंसाफ करो, कश्मीर ट्रांसपोर्ट करो, वही मार्ग हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ जस्टिस वही मार्ग जस्टिस हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ। मेन एजेंडा यही है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमको शिफ्ट किया, जो बडमाल में बस स्टैंड था, जर्मन बस स्टैंड, चाहे उसमें बस है, मिनी बस है, टवेरा है, SRTC गाड़ियाँ चल रही है, उनको शिफ्ट किया गया पारीमपुरा जर्मन बस स्टैंड। उसके बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन और DC श्रीनगर की डायरेक्शन है, डिवकाम साहब की डायरेक्शन है कि पारीमपुरा बियॉन्ड कोई गाड़ी नहीं जाएगी, इधर से पांचक बियॉन्ड कोई गाड़ी नहीं जाएगी। हम यही अपील करना चाहते हैं, जो हमारी गाड़ियाँ डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं उनको पारीमपुरा पहुँचना है, और जो बाकी गाड़ियाँ वो कैसे बडमालू जा रहे हैं, वो क्यों इलीगल ऑपरेशन वहाँ से चल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो इस मसले को खुद देखे, इसमें किसका हाथ है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ बडमालू पहुँचते हैं, तो फिर मेहरबानी करके हमको भी वापसी बडमालू शिफ्ट किया जाए। हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारे ड्राइवर कंडक्टर साहबान इस वक्त फाकाकशी कर रहे हैं, मालिक साहबान परेशान है, ऑलरेडी तो हमको आपको पता है कि कोविड की वजह से कितने ट्रांसपोर्टर कितने परेशान हैं, उसके बरक्स आज हमारे पास वहाँ कोई पैसेंजर नहीं आ रहा है। डिस्ट्रिक्टों से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है वो डायरेक्ट बडमालू आ रही है, खाली बसें मिनी बसें जितनी भी गाड़ी वो सब पारीमपुरा में है। हम पारीमपुरा में खड्डे में बैठे हैं, आप उधर जाए और आप उधर देखें उधर हमारी हालत क्या है। हम यही चाहते हैं कि बडमालू में जितना भी इलीगल ऑपरेशन चल रहे हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको बंद किया जाए। इससे ये जानना चाहेंगे आपसे कि कितना लॉस आपको होता है, जो पारीमपुरा में गाड़ियाँ नहीं रुकती है बडमालू जाती है, तो आपको कितना लॉस इससे उठाना पड़ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर SRTC गाड़ियाँ या सोमो गाड़ी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट बडमालू आवाज़ मार रही है, हमारी गाड़ी आवाज़ मार रही है, हमारे कंडक्टर साहबान आवाज़ मार रहे हैं कि ये पारीमपुरा तक है, तो हमारी गाड़ी में कोई बैठ नहीं रहा है। अगर उनमें 100 सवार बैठेंगे, हमारी गाड़ी में 10 भी नहीं बैठते, इससे आपको खुद ही पता होगा हमारे पास कितना लॉस हो रहा है, हमारे ट्रांसपोर्टर कितने सफ़र कर रहे हैं, ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं।